फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज पूजा का मुहूर्त जो है वो शाम को 5 बजे से लेकर के 7-7:30 तक का है, और उसके बाद में चांद निकलेगा। चांद लगभग 9-9:30 तक निकलता है हर बार। इस वक्त मैंने एग्जैक्ट टाइम अभी तक नहीं देखा है, तो देखते हैं कितने बजे तक निकलता है। और आज मैं दिन में थोड़ा सा सो गई थी ताकि मुझे भूख कम लगे, थोड़ी सी प्यास कम लगे, लेकिन अब उठ गई हूँ और अब मुझे पूजा की तैयारी करना है। साथ ही मैं रेडी भी होंगी और साथ में खाना भी बनाना है, और साथ में मैं आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और मैं किस तरह से पूजा करती हूँ और कैसे सेलिब्रेट करती हूँ अपना करवा चौथ। हालाँकि ये मेरा 5वां करवा चौथ है, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और ये मेरा 5वां करवा चौथ है। तो खैर, मैं इसे भी वैसे ही मनाती हूँ जैसे ये मेरा पहला करवा चौथ है। तो देखिए, आज देखते हैं आज डिनर में मैं क्या बनाती हूँ और कैसे रेडी होती हूँ और कैसे पूजा करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आटा लिया है गेहूँ का, तो इसका मैं बाटी बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बाटी ही बनती है और चूरमे और बाटी से माता करवा को भोग लगाया जाता है। तो मैं चूरमे के लड्डू मुझे आते नहीं है बनाने, इसलिए मैं नहीं बनाऊँगी, और रेडीमेड जो मिठाई आती है उसी से मैं भोग लगाऊँगी। इसमें मैं बाटी बना रही हूँ और इसमें मैंने नमक डाला है, और इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और इसके बाद में थोड़ा सा अजवाइन हम इसमें डालेंगे, और इसका एक हमें टाइट डो लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी सारी बाटियाँ बनकर रेडी है। ये 5 जो छोटी छोटी बाटियाँ हैं वो मैंने करवा माता के लिए बनाई है और बाकी हमारे लिए, और यहाँ पर मैंने ओवन भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इन सभी बाटियों को मैं ओवन पर सिकने के लिए रख दूँगी और इन्हें मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारियाँ करने के लिए थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही थी, बस झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसके बाद में मैं खुद रेडी भी होना था मुझे और समय हो रहा था। इतने ये बाबू उठ गया था और जो मेरे हस्बैंड है वो मार्केट गए हुए थे फल फूल वगैरह लेने के लिए, तो मैं वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे। तो बस इतने में वो आ गए, उसके बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। तो आज ये चूड़ियाँ हैं और ये इयररिंग्स हैं, बस यही सब कुछ पहन रही हूँ। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सिंपल सी साड़ी है, वो भी मैंने सिंपल लेस लगवा के बनवाई है। तो बस सिंपल सी साड़ी है और मैं बस रेडी हो गई हूँ। अब पता नहीं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं फटाफट रेडी हुई और उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। तो बस यहाँ पर करवा माता की तस्वीर रखी है और उसके बाद में मैंने उनको माला पहनाई और एक पटिए पे लाल कलर का कपड़ा बिछाया। उसके बाद में चावल वगैरह रख के और जो करवे होते हैं उसमें हम लोग पानी और ऊपर जो दीपक होता है उसमें शक्कर भर के और 1 रुपये का सिक्का हम लोग रखते हैं। शुरू से मैंने वैसे ही देखा है अपनी मामी जी को करते हुए, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और जब मैं अंबिकापुर में, मतलब हम लोग रहते थे, बाहर रहते थे, तब लोग वहाँ पर ये जो लंबी लंबी सीक है वो भी रखते थे, तो मैंने यहाँ पर भी रखना शुरू कर दिया। तभी से मैं स्टार्ट, मतलब रखना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर दीपक जला दिया है ताकि पूजा जो शुरू कर सकूँ मैं तैयारी करने के बाद में। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा शुरू कर दी है, मेरा दीपक जल गया है। दीपक जलाना सबसे पहले पूजा में ज़रूरी माना जाता है, ताकि जो दीपक होता है वो ऐसा कहा जाता है कि साक्षी होता है पूजा का, तो इसीलिए सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। ऐसा मेरी मम्मी बोलती है कि पूजा करें तब सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने 5 फल भोग लगाए हैं, गणेश जी सुपारी रखकर गणेश जी की पूजा मैंने पहले ही कर दी थी, और जो सुहाग का सामान है वो माता को चढ़ाया है। यहाँ पर मैं हर साल 1 साड़ी और 5 सुहाग की चीज़ें माता जी को चढ़ा के और उसके बाद में किसी सुहागन महिला को, मतलब दे देना चाहिए, जिससे सुहाग आपका बढ़ता है। ये भी मैंने मामी जी मेरे शुरू से वैसे करते थे, तो मैं वैसे ही करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने करवा चौथ की जो कथा होती है उसका पाठ किया और उसके बाद में आरती कर दी और बस चांद का इंतज़ार करना चालू कर दिया। पूजा भी हो गई है और खाना भी बिल्कुल रेडी है। मैंने सिर्फ घर पर बाटी बनाई है, बाकी मैंने सब्जी बाहर से ऑर्डर की है। आज थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ठीक है, दाल खाने का मन नहीं था तो चल जाएगा, चला लेंगे। और बस रेडी हो गई हूँ मैं, और नीचे अब चांद का वेट कर रहे हैं।
कब तक आएगा। अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम है चांद को निकलने में, आधा एक घंटा लगेगा। इतने हम लोग फ़ोटो वगैरह वीडियो शूट वगैरह करते हैं, और वो भी मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे अपलोड करूँगी। तो व्हाट्सएप पे तो नहीं, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और बस देखते हैं चांद कब आता है और कब रथ खुलता है। हो सके तो आज जल्दी खुल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो यहाँ पर चांद का इंतज़ार हो रहा था और फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसके बाद में हम सभी जो कॉलोनी में रहते हैं उसके सभी लोग हम नीचे जाकर एक साथ पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर चांद निकल गया, मैंने इनकी पूजा स्टार्ट करी। चलनी में इनको देखा और पानी पिया और मिठाई खाई। और ये पानी हमारे यहाँ इस तरह से पिलाया जाता है करवे में, हाथ में लेकर 5 बार, और जो हस्बैंड होता है वो ऐसे पूछता है कि सुहाग चाहिए या जल चाहिए। मतलब मालवी में, मारवाड़ी लैंग्वेज में ऐसे पूछा जाता है कि सुहाग से धापी या जल से धापी, तो जल से ऐसा बोला जाता है। और मैं यहाँ पर पैर छू रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मत छू। और पर फिर मैंने बोला कि नहीं, साल भर में एक बार ऐसा मौका आता है तो मैं तो ज़रूर करूँगी। तो बस यही सब हमारे बीच में बातें चल रही थी। चुकी है और मैं नीचे हम लोग सभी इकट्ठे होकर पूजा करते हैं साथ में। तो बस मैं जस्ट ऊपर आई हूँ और अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। तो मिलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या है खाने में। तो यहाँ पर खाने में बटर पनीर मसाला मंगवाया था, पराठे थे, बाटी थी, मिक्सचर था, सेव थी, चिप्स थी, और गुरु कृपा से हम लोगों ने ये वेज लॉलीपॉप मंगवाए थे। बस यही सब था डिनर में। और बस डिनर करके मैं इतनी थक गई थी कि कुछ भी शूट नहीं किया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और खुश रहिए। थैंक यू।